हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लास विथ बेस्ट इंग्लिश स्कूल एंड विथ मी योर इंग्लिश टीचर. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी वुड लाइक टू स्टार्ट आवर पार्ट टू ऑफ माय चाइल्डहुड व्हिच हैव बीन रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम. सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. लक्ष्मणा शास्त्री समंड द टीचर एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इनटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रेन. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू ईदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मणा शास्त्री कॉन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म्ड दिस यंग टीचर. सो स्टूडेंट्स, इस इंसिडेंट के बाद, आफ्टर स्कूल इंसिडेंट, दे ऑल वेंट देयर होम एंड उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये सारा बातें बताई. तो लक्ष्मणा शास्त्री ने टीचर के पास आके उनको ये बोला कि इन आवर प्रेजेंस, हमारे प्रेजेंस में तुम ये पॉइजन, ये जहर कैसे फैला रहे हो ये छोटे छोटे मासूम बच्चों के ऊपर, इनइक्वालिटी और इनटॉलरेंस के रिलेटेड, भेदभाव के रिलेटेड. तो लक्ष्मणा शास्त्री ने एकदम स्ट्रिक्टली वो टीचर को बोला कि या फिर तुम अपोलोजाइज़ करो, माफ़ी मांगो, या फिर ये स्कूल और एक आइलैंड से चले जाओ, क्विट कर दो. तो टीचर को भी रिग्रेट हुआ उसके बिहेवियर के रिलेटेड, उसे भी सही नहीं लगा कि उसने गलत किया, उसे पता चला कि उसने गलत किया. तो उनके, लक्ष्मणा शास्त्री के सामने जो स्ट्रॉन्ग सेंस के साथ वो खड़े होकर वो ये बोलते कि अब से नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा, और इससे जो यंग टीचर थे उसको सबक मिल गया. सी, यू कैन सी इन दिस पिक्चर, आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. However, my school teacher Siva Subramanya Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. सो क्या हुआ कि पूरे होल, ऑन द होल, रामेश्वरम के स्मॉल सोसाइटी में से एक बहुत सारे ग्रुप्स थे साथ में, उनमें से उनके जो साइंस टीचर थे जिनका नाम था सिवर सुब्रमण्यम अय्यर, वो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे. उनकी वाइफ एक ब्राह्मण, ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी कि हम लोग ब्राह्मण हैं तो हम लोग नीचे कास्ट के और उनके कास्ट के कैसे खा सकते हैं या उनके हाथ का कैसे पी सकते हैं. तो बट सिवर सुब्रमण्यम ये सब चीज़ों में नहीं मानते थे, वो ये सब चीज़ों को, बैरियर्स को ब्रेक करना चाहते होते थे और वो सबको साथ में रखना चाहते होते थे. ही यूज़ टू स्पेंड आवर्स, मतलब वो मेरे साथ, मतलब कलाम के साथ बहुत घंटों तक साथ में रहते थे और उन्हें ये बोलते थे कि तुम्हें अपने आप को डेवलप करना है अच्छे वे में, एजुकेटेड पीपल के साथ तुम्हें बढ़ना होगा बड़ी बड़ी सिटीज़ में. Then one day he invited me to his home for a meal. His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. She refused to serve me in her kitchen. Shiva Subramanyam Iyer was not perturbed, nor did he get angry with his wife, but instead served me with his own hands and sat down beside me to eat his meal. His wife watched us from behind the kitchen door. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water, or cleaned the floor after the meal. When I was leaving his house, Sivya Subramanyam Iyer invited me to join him for dinner again the next weekend.
Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited his house the next week, Sivya Subramanyam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. तो क्या हुआ स्टूडेंट्स कि एक दिन सिवरे सुब्रमण्यम ने कलाम को अपने घर में बुलाया. तो जो उनकी वाइफ है वो बहुत ज़्यादा शॉक में हो गई थी कि एक मुस्लिम बॉय उनके घर में आके कैसे खा सकता है, उनका जो रिचुअल प्योर किचन है वो अशुद्ध हो जाएगा. तो उसने बोल दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं उसको सर्व नहीं करूँगी. तो सिवरे सुब्रमण्यम गुस्सा नहीं हुए, एकदम शांत रहे, वो अपने वाइफ के ऊपर गुस्सा भी नहीं हुए. इंस्टेड उन्होंने अपने हाथों से कलाम को खाना सर्व किया और वो उनके साथ में बैठ के खाना खाने भी लगे. तो ये सब चीज़ें उनकी वाइफ किचन डोर से देख रही थी और कलाम ये सोच रहे थे उस टाइम कि क्या उनकी वाइफ ऑब्जर्व कर रही है, कुछ डिफरेंसेस है क्या मेरे खाने से, मेरे राइस खाने से या पानी पीने से, या फिर मेरे खाना खाने के बाद वो क्लीन फ्लोर को साफ़ करने में. तो वो ये सोच रहे थे. तो जब वो खाना खा चुके और उनके घर से जाने का टाइम हुआ, तब सिवरे सुब्रमण्यम अय्यर ने कलाम को फिर से इनवाइट किया डिनर के लिए नेक्स्ट वीकेंड. बट उस टाइम कलाम के फेस में एक हेजिटेशन था. तो उनके टीचर सिवरे सुब्रमण्यम अय्यर ने बोला कि तुम अपसेट मत हो बेटा, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप चेंज करना चाहोगे, कोई भी सिस्टम को आप चेंज करोगे तो आपको ये सब प्रॉब्लम्स तो देखनी ही पड़ेगी. एंड देन नेक्स्ट टाइम कलाम विजिटेड हिज होम एंड सिवरे सुब्रमण्यम वाइफ टुक हिम इनसाइड, मतलब वो किचन के इनसाइड में लेकर गई, अंदर लेकर गई और उनकी वाइफ ने अपने हाथों से कलाम को फूड सर्व किया. देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर एंड इंडियाज फ्रीडम वॉज इमिनेंट. इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, declared Gandhiji. The whole country was filled with an unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramananthapuram. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो चुका था और इंडिया को अपनी फ्रीडम मिलने वाली थी. तो गांधी जी ने डिक्लेयर किया, ये अनाउंस किया कि इंडियंस अब अपना खुद इंडिया बना सकते हैं. तो पूरी की पूरी कंट्री में, पूरे के पूरे कंट्री में एक खुशी का माहौल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस इज़ अ वेरी बिग डील एट दैट मोमेंट बिकॉज ब्रिटिशर्स वॉज रूलिंग, राइट. And then afterwards, Kalam asked his father for permission to leave Rameshwaram. मतलब रामेश्वरम को छोड़ के वो district headquarters Ramananthapuram में पढ़ने के लिए जाए. See students, you can see the picture. Sivya Subramanyam Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food. Now, the last paragraph. He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. So students, उनके पापा कलाम को ऐसे बोलते हैं, अच्छे से उन्हें लगता है कि अबुल, मुझे पता है कि तुम्हें बाहर जाना होगा क्योंकि तुम्हें बढ़ना है, तुम्हें आगे बढ़ना है. जैसे सीगुल्स होते हैं, वो तब तक फ्लाई नहीं कर पाते सन के वहाँ पे जब तक वो अपने नेक्स्ट से दूर नहीं होते, उड़ते नहीं हैं अकेले. तो वो एक अपनी वाइफ को, मतलब कलाम की मदर को कोट करके बोलते हैं कि ये बच्चे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, ये लो, ये सन और ये डॉटर्स ए लाइफ लॉन्गिंग फॉर इट्सेल्फ, ये अपने लिए वो लोग आए हैं. दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे वहाँ से आए हैं, बट तुम्हारे लिए नहीं आए हैं.
सो यू मे गिव योर लव, तुम अपना प्यार उसे दो बट अपने थॉट्स उसको मत दो, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास उनका खुद का थॉट्स है. सो स्टूडेंट्स, इससे ये एक चीज़ पता चलती है हमें कि पेरेंट्स शुडंट force their children to do something that they wanted to do it, because that is not so good, because the students are facing the problems on that fact. So in this we can say that APJ Abdul Kalam's father supported Kalam ji to grow, to become a very innovative person, and he really do that. So this line was inspire me a lot. This is a very beautiful line I have ever heard, students, about this one, about the parents talking about his child to grow, right, students? So I hope that you understand this whole chapter, My Childhood. This have been written by APJ Abdul Kalam. So, and this line have been picked by from Wings of Fire. So Wings of Fire have been written by APJ Abdul Kalam, and this book is have been about the childhood, his journey, how he become the scientist, the missile man's title. So if you were interested to read the textbooks or books, so you can read this book, Wings of Fire. I have read that book and that inspires me a lot, students. So you should also must read that book. Okay, students, and now you should have to solve this question answers and all the questions that this over here written. You all have your textbook, so you should have to solve this one in your notebook. So till there, students, stay home and stay safe. With the help of these lines, I would like to pack up, and I will see you in the next video with a new topic. Okay, so bye bye.